प्रदेश की सबसे हाई सिक्योर जेल मानी जाने वाली अजमेर जेल में एक बार फिर आईफोन पहुंच गया। इस आईफोन के जरिए जेल की फोटो भी वायरल करने का मामला सामने आया है। ये फोटो जोधपुर की नादिया गैंग का हार्डकोर अपराधी रघुनाथ सिंह के रिश्तेदारों को भेजी गई थी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल पहुंचने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे की देखरेख करने वाले तकनीकी कर्मचारी अनिल द्वारा आईफोन जेल के अंदर ले जाया गया। कैमरे की जांच के नाम पर चल रहे इस खेल की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस सेंट्रल जेल पहुंची और उन्होंने आईफोन संचालित करने वाले अनिल को हिरासत में लेते हुए आईफोन को जब्त किया है, जबकि आईफोन में खींची गई फोटो को पहले ही डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे क्या मंशा थी, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाने के प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल मिलने की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जोधपुर के ही रहने वाले सीसीटीवी तकनीकी निजी कर्मचारी अनिल के पास आईफोन मिला, जिसके मोबाइल के माध्यम से जेल में बंद हार्डकोर अपराधी नदिया गैंग के सदस्य रघुवीर सिंह के रिश्तेदारों को फोटो भेजी गई थी। ये सबसे सुरक्षित कही जाने वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा से जुड़ी है और जेल के अलग अलग स्थानों की फोटो इसमें सम्मिलित होने की बात सामने आ रही है। यह मोबाइल अंदर किसके माध्यम से आया और उसके पीछे क्या मंशा थी, इसे लेकर पुलिस अपनी जांच में जुटी है। अजमेर स्थित प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में राजस्थान के साथ ही देश भर के हार्डकोर अपराधी पहुंचते हैं, जिसे लेकर यहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बताया जाता है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी बीच बैरक तक मोबाइल पहुंचना और वहां से तस्वीरें खींचकर हार्डकोर अपराधी के रिश्तेदारों को भेजने पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह अपनी जांच में जुटे हैं। मोबाइल को जब्त कर उसकी फोटो को भी चेक किया जा रहा है। आरोपी अनिल से पूछताछ की जा रही है। ये कल हाई सिक्योरिटी जेल से जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके द्वारा जरिए टेलीफोन बताया गया था कि यहाँ पे एक तकनीकी कार्मिक है जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह के लिए हमने रख रखा है, उसने एक आईफोन के जरिए विचाराधीन बंदी रघुवीर सिंह जो कि नादिया गैंग से है जोधपुर से, उसके परिजनों को एक फ़ोटो भेजा अंदर से हाई सिक्योरिटी जेल का और बंदी का, जिसको उसके ही परिजनों ने वायरल भी किया है। आधी रिपोर्ट दी और सूचना दी, जिस पर थाने से जाकर के वहाँ पे मोबाइल और उक्त जो कार्मिक है उसको कब्जे में लिया गया था और उस संबंध में FIR दर्ज कराई है, जिसमें अनुसंधान चल रहा है। जो बंदी विचाराधीन है वो अभी भी हाई सिक्योरिटी जेल में है, उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे और जिस व्यक्ति से फ़ोन मिला था उससे बाद अनुसंधान आज कार्रवाई संभव है। किस किस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? जो भी व्यक्ति कारागार से संबंधित अपराध करता है वो धारा 42 के तहत दंडनीय अपराध है और संज्ञेय अपराध है, इसलिए उसमें प्रकरण कल ही दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। कौन बंदी था और ये कोई गैंगरेप से जुड़ा हुआ था क्या, इसके माध्यम से भी कोई फोन से संपर्क हुआ था? उक्त बंदी, जैसा कि जेल सूत्रों से ज्ञात हुआ है, नादिया गैंग है जोधपुर में, उससे संबंधित है और जो राकेश मांजू करके जो बदमाश उस पर जो फायरिंग करी थी उस गैंग में, उसी अपराध में ये यहाँ पर विचाराधीन बंदी है। अभी जांच का विषय है क्योंकि मोबाइल से जो इमेज भेजी गई थी वो डिलीट कर दी गई है। संभावना है कि इसमें जो भी डेटा है अगर रिकवर होता है तो अन्य जानकारी भी हासिल हो सकती है। और भी कोई शामिल हो सकता है जेल में जो? वो जांच का विषय है, जांच करेंगे।